तो राम पथ पर हम हैं, राम धुन हल्की हल्की बज रही है, मौसम है पूरी तरह से राम में। मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज भाई, ये तो मतलब अकल्पनीय लग रहा है। मैं बार बार कह रहा हर एक से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा जश्न ना, ये लग रहा है जैसे कलयुग में त्रेता युग का श्री गणेश हो गया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते ना कि राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फणीस सारदा। जिनकी जिनके बारे में तुलसी बाबा ने लिखा है कि इनका वर्णन करना स्वयं माँ शारदे के लिए बहुत कठिन है, उस अयोध्या जी में हम आप चल रहे हैं, राम पथ पे चल रहे हैं। मनवा तो कर रहा है कि जूता चप्पल भी निकाल दें, ऐसे चलें। जटायु का एक देखिए, ये देख रहे हैं ना, जटायु है, यही वो जटायु थे जिनका पंख कट गया सीता जी को बचाने के प्रयास में, और इनके घर वालों ने कहा कि लो कटवा लिए ना अपना पंख, जाते जाने वाले थे अयोध्या, आप कैसे जाओगे। तब जटायु ने बोला था कि जब पंख होते तो मैं अयोध्या जाता, पंख नहीं है तो राम हमारे पास आएंगे, और राम आए थे। अच्छा, एक मनोज भाई मैं भी आपको बताता हूँ, जब जटायु जी महाराज जख्मी हुए थे तब शायद संभवतः प्रभु राम को सबसे ज्यादा क्रोध आया था, जब उन्होंने कहा था, कह रहा हूँ अब कसम खाकर धनुष और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुकुल की मुझको और कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरी जान की। तो लेपाक्षी मंदिर भी गए प्रधानमंत्री, जो जटायु जी जहाँ पर जख्मी हुए थे। यस, ये जो यम नियम चल रहा है 11 दिन का, उसके तहत भी जो मंदिरों में जा रहे हैं उसका कुछ मतलब है जी। किसी मंदिर में नरेंद्र मोदी जी का जाना वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक योजनाबद्ध तरीके से उस शास्त्रीय पद्धति में जा रहे हैं, और ये राम ज्योति प्रज्वलित होने जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो राम ज्योति देखिए, हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाज ही गगन निशान, ये तुलसी बाबा की पंक्तियां हैं। तो उस श्री रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आगत जितने पूज्य संत हैं, अतिथि हैं, ये सब लोग जिस भाव में आए हैं उस भाव को वो नहीं समझ सकते हैं जो लोग प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद क्या बदल जाएगा? मनोज भाई मुझे ये समझाइए, राम अब भी हम में है, राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं है, तो आज और परसों में, मतलब आज 21 तारीख हो गई, आज और कल के बाद क्या बदल जाएगा मनोज भाई? मन का जो बेचैनी था वो चला जाएगा, मन का जो चैन है वो आ जाएगा, मन का जो ठहराव है, मन का जो विश्वास है, वो एक सच्ची तस्वीर देख रहे हैं ना। राम जी के बाण से कुछ असुर गिर रहे हैं, तो ये राम जी संतों का सम्मान तो करते हैं लेकिन दुष्टों को सजा भी तो देना है। ये जो तस्वीर है जहाँ एक मानव रूप में एक व्यक्ति साष्टांग, ये कौन है? ये देश के 140 करोड़ के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी हैं। रामस्य नाम रूपम चलीला धाम परत्परम, ये वत चतुष्टयम नित्यम परवानंद विग्रहम। इसके इस भाव में तो इसका जो चयन 22 तारीख से आएगा जी। और 22 तारीख से त्रेता युग की छाया की शुरुआत हो रही है। त्रेता युग कलयुग के बाद आने वाला है, जरूर ये भी लिखा है कि 4.5 लाख वर्ष का होगा, हमें नहीं पता कितना वर्ष का हुआ, लेकिन कई बार कर्मों से लिखावट को मिटाया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का जो कार्य है, उन्होंने किसी को बिना गाली दिए, किसी को बिना किसी धर्म को बिना अपमान किए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था, शबरी जी की माता शबरी के बेर खाते हुए, निषाद राज को गले लगाते हुए, केवट को पुष्पराज पुष्पक विमान में बिठाते हुए, उस राम जी की कल्पना में अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाए तो किसी को बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जो भाव होता है आ जाता है। अच्छा, हम जब राम पथ पर चल रहे हैं, कितने खूबसूरत तरीके से बनाए गए मनोज भाई, हल्की हल्की राम धुन बज रही है, मेरे घर राम आए हैं, कौन सी धुन गुनगुनाएंगे?
मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के साथ सब जाग जाएंगे, राम आएंगे। ये कितना आनंद है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इसी बहाने राम पथ पे चला दिया। बिल्कुल। अच्छा मनोज भाई, एक और सवाल बार बार जहन में आता है कि ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, मतलब हम लोग देखते थे कि मंदिर जाना कम्युनल हो जाता था, अयोध्या की बात करना कम्युनल होता था, और आज मंदिर के लिए पूरा देश जश्न मना रहा है, परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्सव है। ये बदलाव आ रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है धीरे धीरे, और अब इस बदलाव को सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। भाई सभी धर्मों के सम्मान में हिंदू धर्म का भी तो सम्मान आता है, सनातन का भी तो सम्मान आता है। तो जब दीन बंधु भक्त वत्सल श्री राम की शरण में जो भी गया उसका कल्याण हुआ, तो लोगों को क्यों नहीं स्वीकार होगा। मेरा मानना है कि सेक्युलर के नाम पे हिंदुओं का अपमान करना एक फैशन बन गया था, उसको देश की जनता ने नकार दिया है। और धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, और साथ में मैं मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने दिल खोलकर सबकी बातों को सामने रखा, और जो गलत थे वो खुद ही पटरी से उतर गए। और ये सामाजिक चेतना का परिचायक 2024 में परिलक्षित होगा 100%। 2024 में ये देश उन सभी लोगों को उनकी औकात बताएगा जो धर्म के नाम पे सिर्फ बांटते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। धर्म कभी नहीं कहता कि किसी धर्म का अपमान करो। हम तो चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हमारे लिए वो मानव है, वो अपने जिस धर्म का पालन करे, लेकिन हम किसी धर्म के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, और हमारे ऊपर भी कोई ना करे, ये भी हम दुनिया को बता के चले। अच्छा, जाते जाते एक बार प्रदीप थोड़ा सा कैमरा टर्न कर दीजिए सूर्यवंशी प्रभु राम, और देखिए राम पथ किस तरह से सूर्यवंशी आकार जो है वो दिया गया, सूर्यवंशी प्रभु राम। अरे बाप, ये दृश्य तो हमने अभी तक तस्वीर में देखी थी, आज मैं इसके सामने आ रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि देखत पुरी अखिल अखभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा, ये सब जवान भी कितने खुश हो रहे हैं ना, उनको दिखाइए प्रदीप उस तरफ देखिए, ये सब लोग जो पूरे ड्यूटी पे तैनात है रात भर, पूरा दिन, सुबह शाम, ये तस्वीरें भी पहुंचाना बहुत जरूरी है भाई। सब पर अनुग्रह करने वाले श्री राम पथ पे हैं हम लोग। श्री प्रणाम, राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। और ये सूर्यवंशी, हाँ ये सूर्यवंशी, कैमरा टर्न कर दीजिए एक बार आखिरी जी, जी उस गाड़ी को रोकना, थोड़ा उस गाड़ी को रोक लो जरा, इसको एक बार हम साथ में देखते हैं। देखिए ये जो राम पथ बना, जहाँ जहाँ की एक वीणा बहुत चर्चित हो गई है, वो देखो, हमको लगता है कि उस समय जो बंदर भालू राम जी के साथ रहे होंगे, वो सारी आत्माएं प्रभु श्री राम के लिए इस प्राण प्रतिष्ठा पे आ गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बाल स्वरूप बच्चे जो हैं वो लगा है, और आराम से। बाप रे बाप रे बाप, ये वाकई आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, मतलब आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, वो देखिए क्या सुंदर कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, लौट रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीर है, ये आनंद है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। अरे बाप रे बाप, जय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते कुछ पंक्तियां प्रभु राम के लिए बस, जाते जाते। सूरज को देता है भीषण यज्ञ, तारों को करता है जो रोशन,
चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण, वो है राम 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 मेरा राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए। जय श्री राम। देखिए जहाँ पर प्रभु श्री राम है वहाँ पर ना तो भय है और ना ही पराजय है। महर्षि वाल्मीकि की जो सनातनी वचन है इसका प्रमाण जो है वो राम मंदिर है और इस वक्त हम अयोध्या के हनुमान गढ़ी में मौजूद हैं और उत्सव सा माहौल, कहीं शंखनाद आपको सुनाई दे रहे हैं, कहीं राम धुन सुनाई दे रही है और ऐसी भव्य दिव्य तस्वीर राम मंदिर की भी सामने आ रही है। लेकिन आज महाअनुष्ठान क्या कुछ होने जा रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख से अनुष्ठानों की शुरुआत होगी है। लेकिन आज जहाँ पर विग्रह रखा गया है वहाँ पर जो मंडप सजा है उसकी पूजा अर्चना सबसे पहले की जाएगी। इसके अलावा 105 औषधियों से आज रामलला का महाभिषेक करवाया जाएगा, उसके बाद रामलला को विश्राम दिया जाएगा। जानकारी भी मिल पा रही है, उनकी आंखों की पट्टी भी आज खोली जा सकती है और आज विश्राम के बाद कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रभु श्री राम रामलला की मूर्ति में प्राण डाले जाएंगे, उनसे आह्वान किया जाएगा कि आप इस मूर्ति में आइए और विराजमान हो जाइए और 23 तारीख से आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। महानुष्ठानों की रौनक, उत्सव की रौनक लगातार अयोध्या में हम आपको दिखाई रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए भी अहम है क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि कल प्राण प्रतिष्ठा में क्या मनमोहक नजारा अयोध्या से नजर आएगा। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, महानुष्ठान जो है आज इसलिए भी अहम है क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आप कौन सी छठा अयोध्या की अब दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए बिल्कुल, हम लता मंगेशकर चौक पर हैं और माहौल एंट्री बैन है श्रद्धालुओं की, गाड़ियों की, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साधु संत हों या आम भक्त हों, वो हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है, अयोध्या में आना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही इस उत्सव में खलल ना पड़े, रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए RAF जो CRP की स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिट है उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया। महिला कमांडो को देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु आएंगी, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी रंग में भंग ना पड़े, उत्सव में खलल ना पड़े, तो बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की महिला कमांडो भी तैनात कर दी गई है। MLV आप देख सकते हैं कि ऊपर लगा दी गई है, कि ये MLV की खासियत है कि एक साथ कई तरह के अटैक, यानी कि पानी की बौछार भी छोड़ेगी, मिर्ची वाला पाउडर भी छोड़ेगी, धुआं भी छोड़ेगी, आंसू गैस के गोले भी छोड़ेगी, यानी कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं भक्त नाचते हुए गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर वक्त माहौल राम में है पूरा, हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर है और आप देख सकते हैं तमाम साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई एक झलक भगवान राम लला की पाना चाहता, क्योंकि सैकड़ों सालों का इंतजार किया, कई पीढ़ियां खप गई, आज उस पीढ़ियां उन उसके बाद जो आप वर्तमान पीढ़ी है उनको रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा और हर कोई उस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो विराजमान रामलला है, यानी कि रामलला की जिस मूर्ति की पूजा अब हो रही है, 1949 से लगातार इस मूर्ति की पूजा हो रही है भगवान रामलला की, वो आज नए गर्भगृह में आज रात 8 बजे स्थापित कर दी जाएंगी। हालांकि जो रामलला की नई मूर्ति है उसको 18 जनवरी को ही स्थापित कर दिया गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल शुभ मुहूर्त में होगी, लेकिन आज रात को पुरानी जो मूर्तियां हैं रामलला की उनको भी गर्भगृह में आज रात 8 बजे स्थापित कर दिया जाएगा। आज शाम 8 बजे के बाद आज एकादशी है और इसी एकादशी के मुहूर्त में रामलला को जो टेंट में है, अस्थाई मंदिर में हैं, इनको उस भव्य मंदिर में जहाँ पर यह नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी जगह ये भी जो पुरानी 1949 से पूजित है इस प्रतिमा को ही स्थापित किया जाएगा। मैं हूँ, मेरे 4 पुजारी हैं, कोई विशिष्ट लोगों को भी हो सकता है बुलाए हों तो कोई अच्छे लोग होंगे वो भी लग जाएंगे। रामलला की पुरानी मूर्ति आज रात को विराजमान हो सकती है अस्थाई मंदिर से, यानी कि टेंट से उन्हें नए मंदिर में रखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त
मंदिर समिति के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं नीपेंद्र मिश्रा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है साफ तौर पर कि हमारी टीम रात दिन लगी हुई है ताकि आप 23 तारीख से रामलला के दर्शन कर पाएं। देखिए 22 तारीख यानी कि कल, जिसका इंतजार हर राम कर रहा है, कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद 23 तारीख से रामलला के दरबार जो है आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है सुनिए। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे, वो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं, जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे, वो भी पूर्ण हो सके। ये पूरा कार्य हम लोगों को करना है, 23 जनवरी से इस कार्य में लग जाना है। इंतजार कर रहा है कल के उस दिन का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 तारीख से आम जनता रामलला के दर्शन कर पाएगी। एक बार माहौल में आपको दिखा देती हूँ, ये हनुमान गढ़ी का माहौल है, फूलों से सज चुका है, तमाम RAF की टीम आप देख पा रहे हैं, आज जो है बेहद चौकसी के साथ चेकिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए रामलला के दरबार तो बंद हो गए हैं लेकिन सारे श्रद्धालु जो है हनुमान गढ़ी पहुंच रहे हैं। UP ATS की टीम आप देख पा रहे हैं, RAF के जवान आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको सनातनी रंग जय श्री राम के झंडे यहाँ पर नजर आएंगे, साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दूर दराज से, सिर्फ और सिर्फ इसी दिन का इंतजार है। कुछ लोग तो पकौड़े भी खा रहे हैं यहाँ पर, लुत्फ उठा रहे हैं, अयोध्या का मजा आ रहा है। तेलंगानी हिंदी आती है आपको? हिंदी नहीं आता। नहीं आती? हाउ आर यू फीलिंग इन अयोध्या? गुड, पूरा अच्छा है इधर। अच्छा लग रहा है? हैदराबाद तेलंगाना से आए। अच्छा, तो देखिए तेलंगाना हैदराबाद से दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दी, देखिए रामलला का भव्य दिव्य मंदिर तो लगातार तैयारी हो रहा है, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको भव्य राम मंदिर की दिखाते हैं, उन दरवाजों की तस्वीरें दिखाते हैं जो सोने के दरवाजे रामलला के दरबार में लगे हैं। 14 ऐसे खूबसूरत दरवाजे हैं और नक्काशियां देखिए कितनी सुंदर नक्काशियां जो हैं इन 14 दरवाजों में की गई है, बेहद खूबसूरत ऐसे 14 दरवाजे हैं जो भव्य नव्य राम मंदिर में लगाए गए हैं। 18 द्वार ऐसे हैं जिनमें 14 द्वार जो हैं वो सोने के हैं और सोने के इन द्वारों को हैदराबाद के शरद बाबू ने बनाया है और उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने, सुनिए। तो राम मंदिर में जो निर्माण कार्य है वो अपने अंतिम चरण पर है, मेरे साथ इस वक्त शरद बाबू हैं, हैदराबाद से हैं। जितने भी आपने दरवाजे देखे हैं ना, जितने भी मंदिर में कुल 18 दरवाजे हैं, 18 में से 14 गोल्ड प्लेटेड दरवाजे वहां पर बनाए गए हैं, और जितने भी दरवाजे आपने देखे हैं वो शरद बाबू द्वारा बनाए गए हैं, हैदराबाद से हैं। शरद जी बताइए क्या खासियत है दरवाजों की? जय श्री राम जी। ये पूरा 14 दरवाजा हमने बहुत कम समय पे बनाया था जी, और इसको पूरा नगारा शैली का शिल्पी कार्विंग, ट्रेडिशनल कार्विंग में बनाया। पूरा हमारा वर्कर्स आया है कन्याकुमारी से, इधर ही अयोध्या में हमने एक वर्कशॉप खोल के यही बनाया था पूरा। और ये इसमें गजराज है, देवता मूर्ति है, नगारा शैली का कमल है, तो ये सब हमने फाइन डिटेल कार्विंग किया। ये पूरा सागवान से बना है, ये सागवान लकड़ी हमने महाराष्ट्र से लेके आया, और ये लकड़ी पूरा हाई क्वालिटी मेंटेन किया हमने मंदिर के लिए। ये इसकी उम्र भी बताई जा रही है जो लकड़ी का इस्तेमाल, ये 2500-3000 सालों तक कहीं नहीं जाती, ऐसा है क्या? लकड़ी का ये खासियत यह है कि